please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहिन सुन लो भैया जी कहिन सुनो जी बात सुनो जी भैया जी की बात सुनो जी क्या कहती है जनता जरा उनसे भी मुलाकात करो जी भैया जी कहिन क्या बात है, जो कुछ भी दिल्ली में होता है जमकर होता है, तो आज यह हुआ कि भैया जी जाम में फंस गए और जब फंस गए तो फिर जमकर ही फंसे। लेकिन कैसे पहुंचे ये मुझसे मत पूछिए, बस उस ड्राइवर से पूछिए जिसने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दिल्ली में ठंड भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन ठंड है। लेकिन उस ठंड में भी लोग 1,00,000 लोग इंडिया गेट पे, लेकिन यहाँ भी मौजूद। वाह साहब, नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो सीटी। क्या नाम है तुम्हारे? अज्जू। हैं? अजय। आज से सीटी बजाना छोड़ दो, ठीक है ना? वेरी गुड, थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच। नववर्ष के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। क्या नाम है आपका? मंथन। और आपका? वर्षा। कितने बजे घर से निकले थे आज? अभी बस 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले जनाब, इस समय पूरी दिल्ली में सारे रास्ते कश, कहीं से कोई जगह नहीं मिल रही। साहब इतने लोग कहाँ से निकल पड़े? मेट्रो से आ गए। ओला बुक करके आया था। क्या बात है, ओला बुक करके आए। मैं खुद दिल्ली आ गया आपके प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम के लिए आ गए? बिल्कुल सर। अच्छा, बिल्कुल ठंड वंड नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है सर, लेकिन हम आपके फैन है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। प्रोग्राम देखने आ गए भैया जी, क्या बात है। और आप भी जी? आप क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नववर्ष की। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। क्या नाम है आपका? वंश। आपका? प्रीति। कितने बजे घर से निकले थे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस समय अंदाजा लगा रहा हूँ सड़क पे कितने लोग हैं। 1,00,000 का आंकड़ा भी छोटा लग रहा है मुझे। दोपहर को 1 बजे के निकले हुए हैं। 1 बजे के निकले हुए हैं और मैं अंदाजा लगा रहा हूँ इस समय दिल्ली की सड़कों में कितने लोग घूम रहे हैं जी। Happy New Year, all of you. Very Happy New Year to all of you. आप कहाँ से रहने वाली हैं? यहीं के दिल्ली। यहीं के रहने वाले साहब आप? मैं भी दिल्ली से जी। तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ या सबसे यही पूछता रहूँ? हाँ जी। इलाहाबाद से आप हैं? तो ओहो, इधर आइए इलाहाबाद से। भाई आइए आराम से भाई। इलाहाबाद वाले इतना ठंडी ठंडी नहीं लग रही है? लग रही है, लेकिन क्या करें, क्या तफरी समझ रही होगी आपको। तो इलाहाबाद के आदमी को तो तफरी लग रही होगी। हमारे इलाहाबाद में बहुत ठंड होती है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फैशन देख देख के सब कम हो जाता है। तो कपड़े कम उतर पहनने लगते हैं? अब तो कम ही पहने आज। तो ये शर्ट वर्ट रहेगी या उतर जाएगी रात तक? ये तो रखनी पड़ेगी ना। तो बटन वटन बंद कर लो यार, हमारा प्रोग्राम उस तरह का नहीं है। थोड़ा सा बटन वटन बंद करके आदमी कायदे से खड़ा होता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की आपको, बहुत बहुत। धक्का मत देना, मेरा बच्चा छोटा है, इधर आ जाओ। हाँ जी, तो बताओ भाई, क्या इलाहाबाद से आए हो, दिल्ली देखने आए हो या यहीं रहते हो? नहीं, बॉर्न एंड ब्रॉड अप दिल्ली है। बॉर्न एंड ब्रॉड अप, तभी हम कहें इलाहाबाद का आदमी का असर ये ज्यादा नहीं है। इलाहाबाद की भाषा आती है लेकिन? आती। चले करिए, खैर मैं बात करूंगा। लेकिन आपसे मैं आज जानना चाह रहा हूँ कि नववर्ष में आप लोगों ने क्या क्या अपना रेजोल्यूशन लिया, क्या क्या सोचा, क्या क्या करने के बारे में आपने क्या सोचा? सर मैं हमेशा सच बोलूंगा और दूसरों की रेस्पेक्ट करूंगा। क्या बात है यार, कम से कम इनके लिए ताली बजानी चाहिए। थैंक यू सो मच, ऐसा आदमी मुझे मिल जाए
तो मैं सच में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ती। क्या नाम है आपका? Myself गौरव वर्मा। गौरव वर्मा ने कहा है कि इनको रिजोल्यूशन है कि वो सच बोलेंगे और हमेशा हमेशा अदर्स की रिस्पेक्ट करूंगा, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर, वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रुद्र गुप्ता। रुद्र गुप्ता, रुद्र गुप्ता आप किस क्लास में? एक मिनट, फोर्थ में। तो आपने क्या रिजोल्यूशन लिया नव वर्ष का? क्या सोचा है नव वर्ष में, नए साल में क्या करेंगे? खूब शैतानी करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करेंगे, और ये भी बहुत कम अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए। आपका नाम क्या है? रिया। रिया, रिया, रिया। आपका क्या न्यू ईयर रिजोल्यूशन है? 2018 बहुत अच्छे से मनाना है, सेलिब्रेट करेंगे है? और बस यही सेलिब्रेट करेंगे। विकास, बहुत अच्छा हैप्पी न्यू ईयर सबको हमारी तरफ से, दिल्ली वालों की तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। इधर भी लोग जो तमाम सारे लोग खड़े हैं, सबको भी साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। आज तो लगा था कि प्रोग्राम तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ा आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपने क्या सोचा, कुछ बोलना है बताइए। हाँ जी, मैं सभी अपने भारत वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सीपी में इतने लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो कॉफी पी रहा है या छल्ली खा रहा है वहीं फेंक दे रहा है। तो मोदी जी का स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? हम युवा ऐसे गंदगी फैलाएंगे तो स्वच्छ भारत कहाँ जाएगा? मैं पूछती हूँ। क्या नाम है आपका? आई एम अंजलि सिंह फ्रॉम इलाहाबाद। अंजलि सिंह फ्रॉम इलाहाबाद, क्या बात है, क्या बात है। जो कॉफी पी रहे हैं वहीं पे गंदगी कर रहे हैं। नवीन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नव वर्ष की। अजय जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा दिल्ली निकाल दिया सड़कों पे ही आपने आज। आज नव वर्ष की शुभकामनाएं मैं प्रतीक भाई, और आज जो है हमारे जो पांच जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि भी। बिल्कुल, मैं बात करूंगा उस पर, बात करूंगा, और ये मुद्दा भी है हमारा। और अजय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन जो सवाल था मेरा आज का, मैं उस सवाल को आज आपके सामने रख देता हूँ। जो सवाल था जिसको कि मैंने पूछा था, वो ये था कि क्या आतंकी हमले के बीच कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक को नाटक बताना जायज़ है? ये सवाल था मेरा कि क्या आतंकी हमले के बीच कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक को नाटक बताना जायज़ है? आप अपना जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। हम आपके जवाब को हाँ या ना में जो भी है उसको शरीक करेंगे और इस प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि आपका जवाब क्या रहा। जी हाँ, लेकिन लेकिन मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि जनता का मुद्दा क्या है। जी, फिर मैं आता हूँ आज आपसे भी, मैं सुनना चाहूँगा कुछ। जी, क्या मुद्दा है आपका बताइए। मुझे बीजेपी से पूछना है। बीजेपी से पूछना है जी। सीधे सीधे मुझे जो हम हमारे देश के पीएम है मोदी सर, उनसे बात करना है कि जब हमारे देश में चुनाव हुआ था 2014 के टाइम में, तो जो हमारे देश से इन्होंने वादा किया था, बड़ी बड़ी वादा किया था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन अब तक ये कुछ भी ग्राउंड लेवल तक, मतलब अब तक नहीं हुआ। सुनने में तो आया रोजगार नीति बनाई है ये। और जब चुनाव हुआ था उस उन्होंने वादा किया था कि हम पाकिस्तान से कुछ भी होगा एक के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ, वो बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है, हमारा देश भी सुरक्षित नहीं है, आर्मी भी सुरक्षित नहीं है, हर टाइम पाकिस्तान कुछ ना कुछ हमारे देश पे अटैक करता है और यहाँ के मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा उन पे। जी, आपका सवाल सही है, आपने सवाल पूछा बीजेपी के नेता से। मैं पूछ लूँ जवाब क्या इनसे, अभी पूछ लूँ? हाँ, पूछ ले, बताइए। आपने वादा किया था कि ये सब तमाम चीजें करेंगे, आप मुझे मालूम है कि ये सब वादे आपने किए कि नहीं पूरे हुए। देश को सुरक्षित करने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि जो फर्जी डिग्री राहुल और सोनिया के बारे में, जिनकी फर्जी डिग्री के बारे में जो कांग्रेस अपनी आंखें मूंद लेते हैं, वो देश की सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताते हैं? क्या उनको हक के फर्जी बताने का? वो देश के शहीदों का अपमान करते हैं, उनका जो लगातार उनका अपमान कर रहे हैं, यही कारण है कि वो देश से साफ होते जा रहे हैं। आज देश के अंदर देश का जवान उस माँ के सीने से पूछिए प्रतीक भाई, जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया सीना। एक सवाल का जवाब दूसरा सवाल नहीं हो सकता नवीन जी। मैं सवाल नहीं बता रहा हूँ, मैं उस हृदय की उसकी पीड़ा बता रहा हूँ। मैं उस माँ ने कहा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, मुझे गर्व की बात है। उन शहीदों की चिताओं पर ये जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कांग्रेस ने क्या कहा? संदीप दीक्षित क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक।
उन्होंने कहा कम नहीं हुआ, अगर कम नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान के सीने में जाकर के आतंकवादियों को मारते हैं तो कष्ट होता है इनको। अजय जी, अजय जी, एक 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 आरोप लगाए दूसरा आप लोग आरोप का जवाब दे, एक आरोप लगाए दूसरा आरोप का जवाब दे, यही है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सरहदों पर जो लाखों सैनिक इस देश की सुरक्षा में है उनको मैं 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज देश में सेना सर्वोपरि है, सेना के सौरबल पर, सेना के पराक्रम पर और सेना की क्षमता पर किसी को भी प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अर्थ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो या बसपा और सपा हो या देश के नागरिक हो। लेकिन एक बात जरूर कहनी है, पाकिस्तान लगातार हमारे देश में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, लगातार सेना पर हमला कर रहा है, लगातार सीमा पर लगभग 871 बार पिछले एक साल में सीज फायर का उल्लंघन किया है और हमारे देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही उसने भी स्ट्राइक किया है। उसको रोकने के लिए हमारी सेना को उसको लगातार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, चाहे उसके लिए पाकिस्तान पर हमला ही क्यों न करना पड़े। जब 71 ये 71 में 71 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक 71 से लेकर 1971 से लेकर आप आतंकवादियों के सरगना, आतंकवादियों के सरगना पीडीपी से आपने समझौता किया है, पीडीपी से समझौता किया है, आतंकवाद के सरगना है और आप उनके साथ समझौता किए हुए हैं। 370 पर क्या हुआ? आज तक 370 को क्यों नहीं खत्म किया? आप सिर्फ बातें करते हैं, आप जाइए। मैं सवाल पूछ लेता हूँ। आप एक बात बताइए, बातचीत का ट्रैक चलेगा या गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा? थाईलैंड में जो बात हुई, आपकी जो बात करा, वो जो एनएसए लेवल्स की जो टॉक्स हो रही है, वो सही ट्रैक है या ये ट्रैक सही है जिसमें आप बता रहे हैं? आपके लोग, आपके तो मरे ना सैनिक, तो मरे, हमारे सैनिक गए, हम लगातार कह रहे हैं। पहली बार हुआ आतंकवादियों और अलगाववादियों को कश्मीर में पैसा देना सरकार ने बंद कर दिया, आतंकवादियों का सफाया होना शुरू हुआ, ऑपरेशन ग्रीन की तरह आतंकवादियों को मारा जाने लगा, उनकी बौखलाहट के बाद उनको बार बार ऑक्सीजन देने का काम करते कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के ये समर्थक लगातार पाकिस्तानियों को ऑक्सीजन दे रहे। आखिर क्यों, किस लिए भाई? और मुझे बताइए, आज देश के अंदर आतंकवाद का सफाया कर उनके बौखलाहट के बाद उन आतंकवादियों को जो आत्मघाती थे उनको पाकिस्तान के सैनिक बता रहे हैं। ये कहते हैं कि आप एक सुर, आप एक सुर सर्जिकल स्ट्राइक करी तो भारत के सैनिकों ने करी, पाकिस्तान की औकात नहीं है। आप बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल क्यों उठाते हैं? आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरा नाम है। सोच, आप तो इस देश में जो आपके व्यक्तिगत विरोध जो भी करे आप उसे देशद्रोही कहते हैं। आपने देशद्रोही का ठेका ले रखा है इस देश में। आज तक जितने लोग मारे गए आप बताइए, आपके कितने लोग मारे गए? कौन है एक नेता का नाम बताइए? राहुल, मैं आ रहा भाई, आ रहा हूँ भाई। तो एक मिनट, तुम क्या काम करते हो भाई? मैं सर काम करता हूँ ऑफिस के अंदर। क्या? मैं सर फाइल वगैरह ले जाता हूँ। फाइल ले जाते हो? सवाल है क्या तुम्हारा? यहाँ पे क्यों खड़े हो, मैं जानना चाहता हूँ तुमसे। अपने देश के लिए ही बोलूंगा बार बार। मैं ये कहूँगा कि जो मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं दूंगा। मैं ये कहूँगा कि बार बार सर्जिकल स्ट्राइक होता है देश के अंदर, इसमें भी हम लोगों की कमी है, क्योंकि वो सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि हम लोग कमजोर हैं, और अगर हमारा जो अगर हम लोग ही मिलके नहीं रहेंगे तो हम मिलके नहीं रहते, एक आवाज नहीं जाती आपको लगता। क्या नाम बताया आपने? रोहित सर। ऑफिस में काम करते हैं, फाइल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और ये आतंकी हमले से और हमारे देश की सुरक्षा से पॉलिटिकल को कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा सुरक्षा करती है और करती रहेगी। जी जी, एक इधर से सवाल उठाना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बेसिकली इन्होंने बोला 370 क्यों नहीं हटाया, 70 साल में इन्होंने क्यों नहीं हटाया 370? ये उनको बोल रहे 3 साल उनको आए हुए टाइम है, ठीक है। सेकंड चीज, पाकिस्तानियों के साथ बैठ के ये होटल में खाना खाते हैं और वैसे बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आप क्यों खाते हो बैठ के खाना उनके साथ? गुजरात चुनाव में खाया ना इन्होंने? सवाल सर कि जैसे कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है उस पर हम साथ में रहना कि पार्टी और राजनीतिक पर हम चर्चा करें, और कांग्रेस करती है कि इसमें होना नहीं चाहिए। अरे जहाँ तक ये मोदी जी, उनको सपोर्ट करना चाहिए हमको कि हाँ हम देश के लिए खड़ा हो रहे, कोई देश के अंदर की बात नहीं है।
तमाम सारे लोग, तमाम सारी बातें जी, ऑफ कोर्स मैं आपके पास भी आऊंगा जी, बिल्कुल पहले भी हमारे देश में हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे जो यहाँ पे हमारे देश में जब इंदिरा गांधी के टाइम पे भी सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति कर रहे हैं। मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है, यह सवाल है, और इसी सवाल को लेकर आज हम यहाँ पे नए साल में पहले दिन यहाँ पर मौजूद, 2018 का पहला दिन, वक्त है बड़ी खबरों का, बड़ी खबरों के बाद फिर वापस लौटेंगे और डिबेट शुरू करेंगे।